हमारे नेता आदरणीय पवार साहब की हर साल की तरह इस साल भी 12 तारीख को हम हमारे पार्टी की तरफ से जो एक पवार साहब की हर साल तो होती है और इतना बड़ा नेता है कि ये महाराष्ट्र का नहीं तो हिंदुस्तान का ये नेता है, तो हम हमारे तरफ से शहर की तरफ से जो गरीबों को कंबल बांटा, रक्तदान शिविर, जो भी हमारा 10 दिन कार्यक्रम, फल बांटा, पूरे शहर के अंदर जो ये बदले तो एक बहाना है मगर गरीबों को ये बहाने में उनके पास जाकर कैंसर हॉस्पिटल में जो भी जितना भी जो गरीबों को जितना फायदा होगा वो हम पूरा फायदा आदरणीय पवार साहब के बर्थडे पे हम सब मिलकर दिए। उसमें हमारे एमजीएम में हमारा सवेरे बड़ा प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे केक पार्टी ऑफिस में केक वाटर केक का प्रोग्राम रहेगा और शहर में पूरा हमारा 10 दिन आदरणीय पवार साहब का जोर शोर से हम पूरा सब मिलकर बहुत बड़ा ये आने वाले वक्त में 12 तारीख में हम सब मिलकर ये बर्थडे हम मनाएंगे। पवार साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सगळ्या महिला खूप धूमधामाने करणार आहे। आमच्या शहर अध्यक्ष मेराजताई, वजालाताई, सगळे आमचे जोडे पदाधिकारी आहे। या वर्षी आम्ही दाखवून देऊ की पवार साहेबांचा वाढदिवस याच्या गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी आम्ही प्रत्येक वार्डात प्रत्येक ब्लॉक मध्ये आम्ही हा कार्यक्रम साजरी करणार आहे। तसंच मेराजताईंनी एक कॅन्सर हॉस्पिटल मध्ये एक कार्यक्रम घेतला आणि मी आम्ही दोघींनी पण घेतला। है और साल को अपन मनाते पर ये साल तो मैं बोलता हूँ अपने पास से कुछ लोग आ गए तो उससे ज्यादा जोर में होना चाहिए कि उनको नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास के लोग आज नहीं रहे। जैसा यहाँ से कुछ अपनी पार्टी से सब जाने के बाद आप सब मिलकर जब पवार साहब उनका बर्थडे 12 तारीख को अपना हर साल की तरह अपन ये साल मना रहे और हर साल मनाते हैं। हमारे सचिन भाई हर साल गरीबों को एक बहाना है, ये गरीबों तक वार्ड में जाके जो जो भी एक अपन ऐसा नहीं देते जो गरीबों को उनके ताल्लुक से आज सर्दी का मौसम है, आज जो कैंसर हॉस्पिटल में हर साल तो हमारे उन्होंने कई साल अच्छा प्रोग्राम रखे थे, हमने जाके कंबल वाटप करें तो ऐसा लाइन लगा के लोग ले रहे थे। ऐसे बाहर जो दो दो तीन तीन एक कैंसर हॉस्पिटल में एक एक आदमी के साथ चार चार तीन तीन लोग आते हैं। अपने नेता के माध्यम से उनके बर्थडे पे गरीबों को अपने तरफ से कुछ मिलना, जो अनाथ बच्चे उनको कपड़े, जो बेघर है उनको जो भी अपने से मदद होती, जो ज्यादा से ज्यादा अपने को ये बारी को रक्तदान शिविर देना, पार्टी ऑफिस से भी आने वाला है तो लोगों को अपने से कैसा फायदा होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपने को मेडिकल कैंप हर वार्ड के अंदर जो भी जहाँ पे अपने को ज्यादा अपने लोग हैं जहाँ अपने को ठहरना है जो अपने को अपने ज्यादा वहाँ पे कार्य करता है और नहीं भी रहे तो अपने को अगर कोई नहीं भी रहे तो मैं आज सवेरे इनको बोला, मैं बोला तुम्हारे वार्ड में अच्छे लोग आए पर वहाँ ले लो मेडिकल का जो भी है अपन मेरा बाजी वो मेडिकल इसके ऊपर है उनसे कुछ करेंगे, अपने जो अपना एमजीएम है एमजीएम वालों को बोलेंगे जो अपने दवाखाने के थ्रू से अपने अगर रखना चाहते वो अपने को खुद मदद कर रहे एमजीएम वाले, अपन बोलेंगे कि भाई हमारे पवार साहब के बर्थडे पे हमारे को मेरे वार्ड में अपने को यहाँ रखना है तो अपन वो भी रख सकते हैं। पूरी जितनी भी अपने पूरे मिल के अपन काम करेंगे और पवार साहब का ये साल और ज़्यादा जोर शोर से शहर के अंदर जितने बैनर पोस्टर जहाँ भी है अपना एक 9-10 दिन तक जो भी अपन 10 दिन तक घाटी के अंदर दवाखाने में या गरीबों में या कपड़े वाटर जो लोग ऐसा रोड पे जो पुल के नीचे सोए वाले सर्दी का महीना है उनको ब्लैंकेट वाटर जो अपने तरफ से जितना भी था जितना भी होता कुछ अपने पार्टी की तरफ से एक आधा टूर्नामेंट पढ़ा दीजिए, हमारे इलाज में कैसा भी बोल रहे थे अपन टूर्नामेंट पढ़ा दीजिए, अब उसके बाद में हमारे कार्याध्यक्ष देशमुख साहब सब मिलकर एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट लेंगे और जयंत पाटिल साहब को बुलाएंगे, टोपे साहब को बुलाएंगे, उसके अंदर
अच्छे बड़े पैमाने पे एक अपन करें नहीं, अब से एक टूर्नामेंट भी अपन रखेंगे, उसका भी नियोजन अपन मिलकर करेंगे। और वार्ड वार्ड के अंदर जितना भी जहाँ पे होता है, जैसा भी अपने से जितना भी, अगर 50 ऐसा नहीं कि अगर 1000 लोग आना पे 10 भी लोग आए तो अपने पार्टी का वहाँ पे प्रोग्राम लो, हम सब आएंगे वहाँ पे। और पार्टी का अपने जितना काम होता अपने को अपने उसके बारे में अपने को घर घर चलो राष्ट्रवादी अपने को एक अपने पार्टी ने अपने को एक प्रोग्राम दिवा दिए। अपन इसलिए नहीं कर रहे कि भाई मराठा आरक्षण का चढ़ा और मुस्लिम एरिया के अंदर जो इसराइल ने जो वहाँ पे फिलिस्तीन के ऊपर बच्चे इतने मारा, हमारे लोग कहीं ना बर्थडे मना रहे ना आने दे रहे, वो इतने घर में कहाँ खुशी मनाते। तो ये अपना थोड़ा ये पवार साहब के 12 तारीख के बाद में हर एक अपने 20 वार्ड जो अपने को लड़ना है, जिसको भी लड़ना है वो अपन 20 वार्ड अपन चुनेंगे। मुश्ताक भाई, मुन्ना भाई, सब मिलकर वहाँ पे जाकर हमारे नेता आदरणीय पवार साहब की हर साल की तरह इस साल भी 12 तारीख को हम हमारे पार्टी की तरफ से जो एक पवार साहब की हर साल तो होती है, और एक तो बड़ा नेता है कि महाराष्ट्र का नहीं तो हिंदुस्तान का एक नेता है, तो हम हमारे तरफ से शहर की तरफ से जो गरीबों को कंबल बांटा, रक्तदान शिविर, जो भी हमारा 10 दिन कार्यक्रम, फल बांटा, पूरे शहर के अंदर जो बड्डे तो एक बहाना है, पर गरीबों को ये बहाने में उनके पास जाकर कैंसर हॉस्पिटल में जो भी जितना भी जो गरीबों को जितना फायदा होगा वो हम पूरा फायदा आदरणीय पवार साहब के बर्थडे पे हम सब मिलकर दिए। उसमें हमारे एमजीएम में हमारा सवेरे बड़ा प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे केक पार्टी ऑफिस में केक वाटर केक का प्रोग्राम रहेगा, और शहर में पूरा हमारा 10 दिन आदरणीय पवार साहब का जोर शोर से हम पूरा सब मिलकर बहुत बड़ा ये आने वाले वक्त में 12 तारीख में हम सब मिलकर ये बर्थडे हम मनाएंगे। पवार साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सगळ्या महिला खूप धूमधामाने करणार आहे। आमच्या शहर अध्यक्ष मेराजताई, बजालाताई, सगळे आमचे जेवढे पदाधिकारी आहे, या वर्षी आम्ही दाखवून देऊ की पवार साहेबांचा वाढदिवस याच्या गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी आम्ही प्रत्येक वार्डात प्रत्येक ब्लॉक मध्ये आम्ही हा कार्यक्रम साजरी करणार आहे। तसंच मेराजताईंनी एक कॅन्सर हॉस्पिटल मध्ये एक कार्यक्रम घेतला आणि मी आम्ही दोघींनी पण घेतला, आणि तसंच एमजीएम मध्ये आम्ही सगळं ग्रुप मिळून तो कार्यक्रम आम्ही वाढदिवसाचा शिबिराचा कार्यक्रम आम्ही साजरी करणार। देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा 83वा वाढदिवस पूर्ण महाराष्ट्रात आनंदोत्सव आणि समाजोपयोगी कार्यक्रमाने उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे। तसंच औरंगाबाद शहरात आम्ही शहर अध्यक्ष आणि सर्व सेलचे अध्यक्ष विविध उपक्रम असे उपक्रम की जी समाजाच्या आणि जनतेच्या उपयोगी होतील असे कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत। त्यात जसं की आरोग्य शिबिर असेल, महिलांची कॅन्सरची तपासणी असेल, त्यांना औषधोपचार असतील, असा एक आठवडा एक सप्ताह पूर्ण आम्ही विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमाने हा आनंदोत्सव साजरा करणार आहोत।